श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रद्धा के पिता विजय वालकर का शुक्रवार को भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। श्रद्धा वालकर के पिता ने इस दौरान कोर्ट के सामने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपने दो बच्चों के सामने अपनी दिवंगत पत्नी को पीटा था। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को LSD का सेवन करने के बारे में कोई जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। शुक्रवार को मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के वकील की तरफ से प्रोसिक्यूटर के गवाह के रूप में पीड़िता के पिता विकास वालकर से सवाल किए जा रहे थे। बता दें कि पूनावाला पर पिछले साल 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान श्रद्धा के पिता से कई सवाल पूछे। इस दौरान श्रद्धा वालकर के पिता ने पत्नी को दोनों बच्चों के सामने पीटने के आरोपों से इनकार किया। श्रद्धा के पिता ने इससे भी इनकार किया कि श्रद्धा लिसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड यानी LSD ड्रग लेती थी। सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट में आज मनोवैज्ञानिक के साथ श्रद्धा की बातचीत का वीडियो भी चलाया गया। श्रद्धा के पिता से उस वीडियो के आधार पर आफताब के वकील ने जिरह की यानी क्रॉस एग्जामिनेशन किया। हालांकि साकेत कोर्ट में समय की कमी की वजह से पूरा वीडियो नहीं चलाया जा सका। हत्या के आरोपी आफताब के वकील ने श्रद्धा के पिता से पूछा कि क्या आपने अपनी पत्नी को दोनों बच्चों के सामने पीटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।